साथियों, आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, जो बहुजन क्रांति मोर्चा, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे देश भर के अंदर ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 7 अगस्त को मध्य प्रदेश के सिवनी शहर से शुरुआत किया और ये लगातार 6 फरवरी 2019 तक ये चलने वाली है। अर्थात ये लगातार, ये 6 महीने लगातार यात्रा चलेगी। पंजाब के अंदर इस यात्रा की शुरुआत 9 अक्टूबर को आनंदपुर साहिब से शुरुआत किया और 4 नवंबर अमृतसर साहिब में इसका समापन है। इस तरीके से पंजाब के अंदर कई जिले पिंडे होते हुए ये यात्रा आज आपके शहर तरनतारण में पहुंची है। साथियों, इस यात्रा के माध्यम से जो हम समाज को संदेश देना चाहते हैं, ये जो हमारा समाज, जिसे हम मूल निवासी समाज कहते हैं, ये मूल निवासी समाज, ये जो शिड्यूल कास्ट है, शिड्यूल ट्राइब जो आदिवासी है, ओबीसी जो पिछड़ी जातियां है, जो किसानों की जातियां बोलते हैं, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसको आप इधर कट गिनती के लोग कहते हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लिंगायत है, ये जो हमारे कट गिनती के लोग हैं, ये एससी एसटी ओबीसी से ही कन्वर्टेड लोग हैं। ये सारे के सारे लोग इस देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल बसिंदा है, मगर इस मूल निवासी समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं है। हमारे लोगों को अपना इतिहास पता नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, जो जीतते हैं वो इतिहास लिखते हैं, हारने वाले लोग इतिहास नहीं लिखते, जीतने वाले लोग इतिहास लिखते हैं, और वो इतिहास अपने ढंग से, अपने तरीके से लिखते हैं। तो साथ ही इस देश के मूल निवासी समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं है। अगर हमारे मूल निवासी समाज को अगर इतिहास पता हो जाए तो जानते क्या होगा, दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। इतिहास मालूम होने से दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तभी इस देश में सही लड़ाई की शुरुआत होगी। अभी जो लड़ाई जो चल रहा है हमारे लोगों का आपस में, ये नकली लड़ाई है, ये असली लड़ाई नहीं है। जैसे साथियों, आप लोग फिल्म देखते हैं और फिल्मों में, सिनेमा घरों में दिखाई जाता है कि बचपन में दो भाई बिछड़ जाते हैं और दोनों बड़े होते हैं और दोनों खूब उठापटक करते हैं। क्यों करते हैं? दोनों को मालूम नहीं है हम दोनों भाई हैं, ये पता नहीं है। मगर उस फिल्म का जो विलेन होता है, जो खलनायक होता है, उसको मालूम होता है ये दोनों भाई है, मगर बताता नहीं है। वो जानता है, अगर बता दिया कि तुम दोनों भाई हो तो फिल्म 3 घंटे चलने की बजाय 1/2 घंटे में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो विलेन खलनायक बताने का काम नहीं करता। 2.5 घंटे तक ये दोनों भाई को पता भी नहीं चलता कि हम दोनों भाई हैं। तो उधर से तीसरा बंदा आता है और दोनों भाइयों को बैक हिस्ट्री बताता है, इतिहास बताता है कि तुम दोनों भाई हो, बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए,
रेलवे स्टेशन पे बिछड़ गए, तुम्हारा माँ उधर है, तुम्हारा बाप उधर है, जब सारा जब बैक हिस्ट्री बताता है तो दोनों भाई एक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद समझ में आता है ये जो विलेन है, ये खलनायक है, यही असली दुश्मन है। तब क्या होता है, असली लड़ाई की शुरुआत होती है और फिल्म वही खत्म हो जाता है। असली लड़ाई की जब शुरुआत होती है, क्योंकि फिल्म में 2.5 घंटे तक नकली लड़ाई चलता है, दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई चलता है, और दोनों भाई जब इकट्ठा होकर जब विलेन के साथ जब मुकाबला होता है तो फिल्म का समापन होता है। उसी तरीके से साथियों, इस देश के अंदर भी एक फिल्म चल रहा है जो ओरिजिनल फिल्म है। आप सिनेमा घरों में, थिएटरों में वो जो फिल्म दिखाई जाती है वो मनोरंजन के लिए काल्पनिक फिल्म है, मगर इस देश में एक ओरिजिनल फिल्म चल रहा है। ओरिजिनल फिल्म क्या है, इस देश का शेड्यूल कास्ट, जिसको अछूत जातियां बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब जिसको आदिवासी बोलते हैं, ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं, और इसी से जो कन्वर्टेड जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लिंगायत है, ये सभी भाई है मगर बिछड़े हुए लोग हैं। ये भाई है मगर ये आपस में बिछड़े हुए लोग हैं, ये बांटे हुए लोग हैं, और इनको बिछड़ाने का काम, इसको बांटने का काम इस देश में 3.5% ब्राह्मणों ने किया। वो 3.5% ब्राह्मण विलेन है, खलनायक है। वो विलेन खलनायक क्या करता है, इन बिछड़े हुए लोगों को आपस में लड़वा रहा है, आपस में लड़वा रहा है, मरवा रहा है, कटवा रहा है, कुटाई किया जा रहा है, पिटाई किया जा रहा है, किस चीज के नाम पर। तो जो 3.5% ब्राह्मण है वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बना रहा है, ये हिंदू है नहीं मगर हिंदू इसको बनाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये हिंदू नहीं है मगर ये ब्राह्मण इसको हिंदू बना रहा है, हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए वो उसको हिंदू 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 बोलता है। और जो मुस्लिम सिख ईसाई जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, जब ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बोलता है तो मुस्लिम सिख ईसाई भी इसको हिंदू बोलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ओबीसी, इसे मुस्लिम सिख ईसाई लोग भी हिंदू बोलते हैं और ब्राह्मण भी हिंदू बोलता है। जब ब्राह्मण हिंदू बोलता है इससे ब्राह्मणों का फायदा होता है। अगर ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बोलता है तो इससे ब्राह्मणों का फायदा होता है। अगर मुस्लिम सिख ईसाई अगर इसको हिंदू बोलता है तो हम सिखों से पूछना चाहते हैं, इसको हिंदू बोलकर आपको क्या फायदा होता है। हम मुसलमानों से पूछना चाहते हैं, इसको हिंदू बोलकर आपको क्या फायदा होता है, बल्कि नुकसान होता है। ब्राह्मणों को क्या फायदा है, ब्राह्मणों को यह फायदा है कि ब्राह्मण 3.5% है, और जब एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बोलता है तो जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक हो जाता है। 3.5% ब्राह्मण चीटी है, और एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बोलकर वो हाथी हो जाता है। जब वो हाथी हो जाता है इसको हिंदू के नाम पर मुसलमानों से भिड़ाता है, हिंदू के नाम पर ईसाइयों से भिड़ाता है, हिंदू के नाम पर सिखों से भिड़ाता है। ये हिंदू के नाम पर भिड़ने का काम करते हैं। अगर मुस्लिम सिख ईसाई अगर हिंदू बोलता है
तो हिंदू बोलकर उसको धकेलते हैं किधर, ब्राह्मणों की तरफ, जाओ उधर जाओ। तो ये कहते ना आ बैल मुझे मार, हम 3.5% ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बोलकर, उसको हिंदू बोलकर ब्राह्मणों की तरफ धकेल रहे हैं और ब्राह्मणों को हम मजबूत बना रहे हैं। जब ब्राह्मण मजबूत बन जाता है, ब्राह्मण हाथी बन जाता है, फिर हमें हमारे लोगों को कुचलने का काम करता है। तो साथी जो इतिहास जब हमारे लोगों को मालूम होगा तो दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, और जब दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तो इस देश में असली लड़ाई शुरू होगी। असली लड़ाई क्या होगा, असली लड़ाई होगा मूल निवासी बनाम विदेशी, असली लड़ाई होगा 15 बनाम 85, ये असली लड़ाई शुरू होगी। ये असली लड़ाई इस देश में हो, ये जागरूकता अभियान चलाए चलाने के लिए, ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस देश में बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ये परिवर्तन यात्रा हम निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। मगर ये बहुजन क्रांति मोर्चा लोगों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, अंग्रेज नाम का विदेशी देश से चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी आजाद हो गया। इस देश से अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश पर कब्जा कर लिया और इस देश का जो मूल निवासी समाज है वो गुलाम हो गया। अर्थात कल हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। हमारी गुलामी अभी खत्म नहीं हुई, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की गुलामी खत्म नहीं हुई। कल अंग्रेजों की गुलामी थी, आज ब्राह्मणों की गुलामी थी, गुलामी है। ये जो गुलामी है, जो ब्राह्मणों की गुलामी है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, देश पर कब्जा किया। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हुआ, इस देश में जब गणतंत्र व्यवस्था की नींव डाली गई, मगर इस देश में गणतंत्र व्यवस्था की नींव तो डाली गई, मगर ब्राह्मणों ने क्या किया, उस गणतंत्र व्यवस्था को ब्राह्मण तंत्र व्यवस्था में तब्दील कर दिया। जो गणतंत्र व्यवस्था था, जो डेमोक्रेसी, इस देश में जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी वो डेमोक्रेसी बन नहीं पाई, वो ब्राह्मणोक्रेसी हो गया। गणतंत्र ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया। वो गणतंत्र ब्राह्मण तंत्र में कैसे तब्दील हो गया, ये जो लोकतंत्र है, ये जो गणतंत्र है, इसके 4 पिलर है। 4 पिलर पर ये लोकतंत्र खड़ा है और 4 पिलर पे आप देखते हैं जो लोकतंत्र खड़ा है, पहले नंबर का पिलर है विधायिका, जहां कानून बनाए जाते हैं। कानून कौन बना रहा है, ये ब्राह्मण कानून बना रहे। ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है, 3.5% ब्राह्मण किसी भी पिंड का पंच नहीं बन सकता, वो सरपंच भी नहीं बना सकता। जब पंच नहीं बनेगा तो सरपंच कैसे बनाएगा। मगर वो 3.5% ब्राह्मण इस देश का सरपंच बना रहा है। वो किसी पिंड का पंच नहीं बन सकता, सरपंच नहीं बन सकता, मगर वो
3.5% ब्राह्मण देश का सरपंच बना रहा है। ये सरपंच, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो देश का मुखिया बनाया हुआ है, देश का पीएम बनाया हुआ है, मगर उसको किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया, मोहन भागवत ने बनाया, आरएसएस ने बनाया। जिसकी संख्या 3.5 है वो किसी पिंड का पंच सरपंच नहीं बन सकता, मगर देश का मुखिया बना रहा है, देश का प्रधानमंत्री बना रहा है। और जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, इसको बनाया गया है, ये नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड होता है उसके हाथ में पावर नहीं होता, केवल पोजीशन होता है। पावर नहीं, पोजीशन होता है। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो भी क्या थे? कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेटेड थे, और निर्णय कांग्रेस लेती थी, पीएम नहीं लेता था। निर्णय का पावर कांग्रेस के हाथ में था, पीएम के हाथ में नहीं था, मनमोहन सिंह के हाथ में। अगर मनमोहन सिंह के हाथ में अगर निर्णय का पावर होता तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ और लाखों सिखों नौजवान को कत्लेआम हुआ, सामूहिक नरसंहार हुआ, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। जो न्याय नहीं मिला, और 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, जरूर न्याय दिलवा सकता था, मगर अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? सिखों पर कत्लेआम हुए और सिख बंदा को ही प्रधानमंत्री बनाया गया, 10 साल प्रधानमंत्री रहा, वो न्याय करवा सकता था मगर नहीं करवा पाया। क्यों? निर्णय उसके हाथ में नहीं है, निर्णय कांग्रेस आला कमान के हाथ में था। वो तो नॉमिनेटेड थे। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये भी नॉमिनेटेड है, इसके हाथ में निर्णय नहीं है। कैसे? जैसे ही ये प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि हम इस देश में पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं करेंगे, इस देश में ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं उसकी गिनती नहीं किया जाता, शेड्यूल कास्ट को गिना जाता है, शेड्यूल ट्राइब को गिना जाता है, मगर ओबीसी को गिना नहीं जाता। ओबीसी प्रधानमंत्री है मगर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है कि हम ओबीसी की जातीय धारी गिनती नहीं करें, इसका कास्ट सेंसस नहीं करेंगे। ओबीसी का बंदा ओबीसी के विरोध में फैसला ले रहा है, इसका मतलब वो ले नहीं रहा है, उसका फैसला लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि निर्णय कोई और ले रहा है पर्दे के अंदर। कौन ले रहा है? वो ब्राह्मण ले रहा है जिसने उसको पीएम बनाने का काम किया। 314 बच्चे आईएएस में सिलेक्शन कर गए, 314 ओबीसी के बच्चे आईएएस जब कंप्लीट कर गए और उनको केवल पोस्टिंग देनी थी, उसकी फाइल आई, नरेंद्र मोदी ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। 314 बच्चे जो आईएएस सिलेक्शन कर गए, जो अलग अलग जिलों में डीसी हो जाते, डीसी होते, मगर उसकी फाइल जो सिलेक्शन इसके पोस्टिंग के लिए आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी का है और ओबीसी के विरोध में ही फैसला ले रहा है, क्योंकि उसके पीछे ब्राह्मण लगे हुए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी इतना गधा तो है नहीं, गधा मतलब समझते, खोता तो है नहीं है, पंजाब में खोता बोलते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी इतने गधा तो है नहीं, खोता तो है नहीं कि ओबीसी का बंदा ओबीसी के विरोध में फैसले ले। अब जैसे मान लिया जाए किसी खोता बंदा को, खोता से खोता बंदा को आप हाथ
कुल्हाड़ी दे दो और कहो अपना एक पैर काट लो, तो क्या बोलेगा, मैं खोता तो हूं मगर इतना खोता नहीं हूं कि अपना पैर काट लो। गधा तो हो मगर इतना गधा नहीं हूं कि मैं पैर काट लो। मगर नरेंद्र मोदी इतना खोता है कि ओबीसी का होकर ओबीसी के विरोध में फैसले ले रहा है। अभी आपके पंजाब में सीएम है कैप्टन साहब, और कैप्टन साहब ही क्या है, नॉमिनेटेड है। किसने नॉमिनेट किया, कांग्रेस ने, कांग्रेस ने सीएम बनाया। एक कांग्रेस जो पार्टी है ये ब्राह्मणों की है, ये कैप्टन साहब की नहीं है। और कैप्टन साहब क्या कर रहे हैं, अभी बरगाड़ी मोर्चा चल रहा है, 4 महीने से ज्यादा हो गए, 4 महीने ज्यादा हो गए बरगाड़ी मोर्चा चल रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, उसके विरोध में नौजवानों ने मोर्चा निकाला, पुलिस वालों ने गोली मार दी, उस पर रंजीत सिंह, जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन बिठाया गया, उसने सारी रिपोर्ट दे दी कि किसने गोली मारी, गवाह कौन है, सारा रिपोर्ट दे दिया। कैप्टन साहब उसको न्याय नहीं दिला पा रहे, क्यों, नॉमिनेटेड है, निर्णय नहीं ले सकते, न्याय नहीं दिलवा पा रहे। बल्कि और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर एसआईटी बिठा दिया जांच करने के लिए। हाई कोर्ट का जो जज है उसकी इंक्वायरी, जो उसकी रिपोर्ट है उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाया पुलिस वालों की। हाई कोर्ट का जज सारी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट पेश कर दिया, अब उसकी इंक्वायरी करने के लिए पुलिस की कमेटी एसआईटी बिठा दी। किसने, कैप्टन साहब ने, क्योंकि अगर कैप्टन साहब न्याय देने के लिए अगर निर्णय ले लेते क्या होता, पार्टी हाई कमान उसको साइड कर देते, दूसरे को बिठा देते। जो कांग्रेस आला कमान जो फैसला लेगा वही कैप्टन को मानना पड़ेगा, ये अपने से फैसला नहीं ले सकते क्योंकि ये नॉमिनेटेड है। क्योंकि जो नॉमिनेटेड होता है उसके हाथ में केवल पोजीशन होता है, पावर नहीं होता। ये पोजीशन क्या है, पावर क्या है, इसको समझने के लिए एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं, एक और एग्जांपल आपको देता हूं। साथियों, हमारे जो किसान भाई लोग हैं ये क्या करते हैं, ये खेतों में फसल लगाते हैं। जब खेत में फसल जब पकने लगता है तो क्या करते हैं, एक नकली किसान खड़ा करते हैं, नकली किसान, एक डंडा ऐसे, दूसरा डंडा ऐसे बांध देते हैं, ये पुराने कपड़े उस पे डाल देते हैं, मिट्टी का मटका भी ऊपर डाल देते हैं, ये हो गया नकली किसान। क्या होता है, जानवर दूर से देखता है किसान खड़ा है, खेत में कौन खड़ा है, किसान, ये जानवर दूर से देखता है किसान खड़ा है, मगर किसान है वो किसान के पोजीशन में होता है, पावर में नहीं होता। जानवर दूर से देखता है किसान खड़ा है मगर वो किसान के पोजीशन में है, पावर में नहीं है। पावर मीन्स अगर जानवर वहां चला जाए तो वो पावर उसके पास नहीं है कि डंडा लेकर के जानवर को खदेड़ दे, पावर नहीं है। ये जो नॉमिनेटेड जो होते हैं हम दूर से देखते हैं, दूर से देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारा नेता है। लागू करवाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, और इसके अलावे जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, इस पर अराउंड फिगर 80% कब्जा इन्हीं ब्राह्मण जातियों की है, 80%। और तीसरे नंबर पे ये जो न्यायपालिका है, ये जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इस पर 97% कब्जा है, 97% कब्जा।
سے لے کر سپریم کورٹ تک اس دیش میں 610 جج ہے، جج 610 ہے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، اس میں 592 جج 592 جج پر برہمنوں کا قبضہ ہے، ماتر 18 جج ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اس دیش کے مول نواسیوں کا، ماتر 18۔ اور چوتھا جو میڈیا ہے، یہ میڈیا پہ 100% قبضہ ہے۔ اب 100% قبضہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اگر پنجاب کی کوئی خبر ہے وہ پنجاب کی خبر پنجاب میں ہی دبا دیا جاتا ہے، یہ یو پی والوں کو پتا بھی نہیں چلتا، گجرات والوں کو پتا بھی نہیں چلتا، مہاراشٹر والوں کو پتا ہی نہیں چلتا، مہاراشٹر کی اگر کوئی خبر ہے وہ ادھر ہی دبا دیا جاتا ہے، ادھر لوگوں کو پتا نہیں چلتا۔ اور برہمنوں کے سمبندھ میں اگر کوئی خبر ہوتا ہے وہ راشٹریہ استر کا خبر ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کی خبر ہوتی ہے ادھر ہی دبا دیا جاتا ہے۔ جیسے گرو گرنتھ صاحب کی بےد بھی ہوئی، یہ جانکاری کن کو ملا، یہ پنجاب کے لوگوں کو ملا، باہر کے راجی کے لوگوں کو ملا ہی نہیں، مطلب یہ خبر ادھر نہیں گئی، یہ ادھر ہی دبا دیا، ادھر ہی۔ مگر یہ ہمارے لوگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گرو گرنتھ صاحب کی بے ادبی کا کیا مطلب ہے، گرو گرنتھ صاحب کی جو گرو گرنتھ صاحب ہے اس میں 35 گرو اور سنتوں کی وانیاں ہیں، 35 گرو اور سنتوں کی وانیاں کا مطلب ہے کہ 35 گرو اور سنتوں کی بے ادبی ہوئی ہے، اور وہ 35 گرو اور سنت کیول پنجاب کے نہیں تھے، آل انڈیا کے تھے۔ یہ 35 جو گرو سنت ہے وہ کیول پنجاب کے نہیں، آل انڈیا کے تھے۔ اگر آل انڈیا کے تھے اور اس گرنتھ کی گرو گرنتھ صاحب کی بے ادبی ہوئی، اس کا مطلب آل انڈیا کی بے ادبی ہوئی، مگر وہ خبر آل انڈیا میں فلس نہیں کیا، ادھر ہی رکھ لیا، کیونکہ 100% میڈیا اس کے نینترن ہے۔ تو یہ جو ہو لوک تندر کے جو چار پیلر ہے، ودھائی کا، کاری پالی کا، نیائے پالی کا، میڈیا، یہ جو چاروں کے چاروں تنتر ہے، اس تنتروں پر برہمنوں نے قبضہ جما لیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس دیش میں لوک تنتر ختم ہو گیا، وہ لوک تنتر برہمن تنتر میں تبدیل ہو گیا۔ جب لوک تنتر برہمن تنتر میں تبدیل ہو گیا تو کیا ہو رہا ہے دیش میں، اس دیش کے جو مول نواسی سماج ہے، اس دیش کا ایس سی ایس ٹی او بی سی اور کٹ گنتی کے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر بڑے پیمانے پر زور ظلم اتیاچار بڑھ گئے۔ یہ برہمن تنتر میں تبدیل ہونے کی وجہ سے، برہمنوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں پر زور ظلم اتیاچار بڑے پیمانے پر بڑھ گئے۔ میں ادھارن آپ کو دیتا ہوں، اس دیش میں ساتھیوں نوکریاں ختم کر دی گئی، نوکریاں ختم کر دی گئی۔ پہلے تو ایل پی جی کے مادھیم سے ہر چیزوں کا پرائیویٹ کرن کیا گیا، اور پرائیویٹ کرن کر کے ریزرویشن کو زیرو کر دیا گیا، پرائیویٹ سیکٹر میں ریزرویشن نہیں ملتا، اتنے بڑے پیمانے پر پرائیویٹ کرن کر دیا گیا، ریزرویشن زیرو ہو گئے۔ جب زیرو ہو گیا، ریکروٹمنٹ سارا بند کر دیا گیا، بھرتیاں بند کر دی گئی، کانٹیکٹ بیس پہ بحالیاں کی جاتی ہے، کانٹیکٹر، یہ کانٹیکٹر بھی کون لوگ ہیں، ان کے ہی لوگ ہیں۔ یہ جو سلبھ شوچالے آپ لوگ دیکھتے ہیں، سلبھ شوچالے ہر ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ، یہ جو ٹوائلٹ آپ دیکھتے ہیں، اس کا بھی ٹھیکیدار برہمن ہی ہے، بندیشری پاٹھک، مطلب اس کا بھی جو ٹوائلٹ ہے اس کا بھی کام برہمن کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے بندوں کو
4000 में 3 बार वहां बिठा देते हैं, कलेक्ट करते रहो डब्बे में पैसे। मतलब सारा कॉन्टेक्ट बेस पे सही समय पर हमारे लोगों को वेतन नहीं मिल रहे। कई राज्यों में हमारे जो लोग टीचर लोग हैं, हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं, 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए, 10-10 महीने वेतन नहीं मिलते। 5000 रुपए मंथली वेतन भी मिलना है, वो भी 10 महीने से नहीं मिले, कहीं 6 महीने नहीं मिले, कहीं 14 महीने हो गए। मैंने ये हालात पैदा कर दिया गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई, बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे, नौकरियां नहीं मिल रही, आत्महत्या कर रहे, नशे के शिकार हो रहे। जब कोई काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, नशे करेंगे। साथियों, जब हम पिछली परिवर्तन यात्रा पूरी पंजाब हमने घूमा तो उस समय हमने देखा ये जो धान की जो खेती हो रही है, ये धान खेतों में लगे हुए थे और उस समय हरे थे, और इस समय जब घूमना शुरू किया वो धान पक गए। तो जब हरे थे तो गांव में हम देखते थे हर जगह बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग पेड़ के नीचे पत्ते खेल रहे, कोई काम नहीं है। जब धान हरे थे तो पत्ते खेल रहे थे, मतलब जब कोई काम ही नहीं है तो क्या करेगा। तो बेरोजगारों को कोई काम नहीं है तो लोग नशे के शिकार हो रहे, रोजगार ही नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश में, महिलाओं पर बड़े पैमाने पर जोर जुल्म बढ़ गया। आप अखबार उलटिए, डेली 2-4 घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेगा, डेली महिलाओं पर, बच्चियों पर डेली कोई ना कोई अत्याचार आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, ये जो जोर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या हमारे लोगों की वोटों की जरूरत सरकार को नहीं है? सरकार क्या सोचती है, अरे ज्यादा ज्यादा ये लोग क्या करेंगे, हमें चेंज कर देंगे, हमें बदल देंगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरा किसको लाएंगे। आपने सेंटर में क्या किया, कांग्रेस को बदल दिया, बीजेपी को बिठा दिया, फिर क्या करेंगे, बीजेपी को हटा देंगे, कांग्रेस को बिठा देंगे। कांग्रेस भी ब्राह्मणों का, बीजेपी ब्राह्मणों का। कांशीराम साहब कहा करते थे, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, एक सांप है एक नाग है, सांप भी अगर डसेगा मर जाओगे, नाग भी डसेगा मर जाओगे। ये जो कांग्रेस और बीजेपी है, एक सांप है नाग है, कोई अंतर नहीं है। आप सांप को हटाएंगे नाग बैठ जाएगा, नाग को हटाएंगे सांप बैठ जाएगा। और पंजाब में क्या कर सकते हैं, आपने अकाली को हटाया कांग्रेस को बिठाया, कांग्रेस को हटाएंगे अकाली को बिठाएंगे। अकाली कौन है, अकाली का बीजेपी के साथ गठबंधन है, और बीजेपी के गठबंधन है इंटरनली रिमोट ब्राह्मणों का है, इंटरनली रिमोट ब्राह्मणों का है। इसलिए साथियों, अगर इस देश की जनता अगर जागृत होकर कहीं इस देश में तीसरा मोर्चा ना खड़ा कर ले, अगर तीसरी ताकत अगर खड़ी हो गई देश में, उन लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, इस देश में तीसरी ताकत पैदा नहीं होनी चाहिए, तो उसने ईवीएम मशीन सामने ले आया, ये वोट्टा वाली मशीन सामने ले आया, ये वोट्टा वाली मशीन। पहले बैलेट पेपर हुआ करते थे, अभी पंचायत के चुनाव हुए, उस पंचायत के चुनाव में भी बैलेट पेपर का उपयोग किया गया। ये बैलेट पेपर एक तरफ चुनाव निशान होते हैं और चुनाव निशान के ठीक सामने आप मुहर मारते हैं, हर बंदा हर व्यक्ति 100% कंफर्म होता है कि जिसको हमने वोट दिया है उसी को वोट गया है, जिसको वोट दिया है उसी को गया है। ये किससे कंफर्म है, बैलेट पेपर से। अब आ गई मशीन, आ गई ईवीएम मशीन, आ गई। अब ईवीएम मशीन आ गई तो आप उसमें बटन दबाते हैं, टी की आवाज आती है, वोट कहां जाता है कोई पता नहीं चलता, कोई बंदा कंफर्म नहीं है। और जैसे ही टी की आवाज आती है तो जो
वहां कर्मचारी बैठा होता है, वो कर्मचारी पूछता है उससे आवाज आई, बोला हां आई, हां वोट हो गया, वोट पड़ गया, मगर वोट किसको गया, किस कैंडिडेट को गया, कंफ्यूजन है। कहते हैं जो चुनाव है ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, देश का जो लोकतंत्र है बहुत बड़ा पर्व है। अब इस पर्व के साथ मजाक बनाकर रख दिया गया है, मजाक चल रहा है देश में, नौटंकी चल रहा है कि आप वोट डालो, किसी को चला जाए आपको भले पता ना चले। इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, कौन सा, भारत का संविधान आपको मताधिकार दिया है, मगर ये व्यवस्था मताधिकार को मतदान में तब्दील कर दिया, मताधिकार हो गया मतदान, दान करो अपने मत का, दान करो। चुनाव अधिकारी पूरे जगह प्रचार करवाते हैं, वॉल राइटिंग करवाते हैं, टेलीविजन में अखबारों में प्रचार करवाते हैं कि अमुक तारीख को अपने बहुमूल्य मतदान का प्रयोग करना है। मताधिकार नहीं बोलता, मतदान बोलता है, मतलब जो आपका अधिकार है वो अधिकार भी दान के रूप में ले लिया जा रहा है। ये जो वोट्टा वाली जो मशीन है, अगर ये वोट्टा वाली मशीन अगर इसी तरह रहा तो आप समझ जाइए कि 2019 में फिर बीजेपी की सरकार आएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी भाषणों में कहता है, एक बात बोलता है, वो क्या बोलता है, हम 2022 तक सभी लोगों को घर दे दिए जाएंगे, 2022 तक सभी लोगों को टॉयलेट बाथरूम दे दिया जाएगा। अरे चुनाव 2019 में होने वाला है, सरकार तुम्हारी 2019 तक की है, तुम 22 का नाम काहे को ले रहे हो। मैंने 5 साल में क्या किया नहीं बोल रहा है, 22 की बात बोल रहा है, 22 में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा क्यों बोल रहा है, 100% गारंटी से बोल रहा है कि 2019 में हमारी ही सरकार आएगी, इसीलिए हम 22 में ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। मैंने 100% गारंटी से बोल रहा है कि 19 में हमारी ही सरकार आएगी। क्यों, क्योंकि साथियों ईवीएम का घोटाला करके कांग्रेस ने 10 साल सरकार चलाई और कांग्रेस बीजेपी का इंटरनली गठबंधन हुआ कि 10 साल हमने सरकार चलाई है, ये बात जनता को मत बताओ कि ईवीएम का घोटाला करके सत्ता हमने चलाई है, अब 10 साल हमने चलाई, अब 10 साल तुम चलाओ। 2014 में बीजेपी आई और 2019 में फिर ईवीएम से बीजेपी आएगी। इसलिए साथियों इस बहुजन क्रांति मोर्चा के परिवर्तन यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं, उन शासक जातियों को संदेश दे रहे हैं, चुनाव आयोग को संदेश दे रहे हैं, वो चुनाव आयोग को ये संदेश दे रहे हैं कि 2019 के चुनाव में इस वोट्टा वाली मशीन को हटाओ। उनको संदेश दे रहे, इस मशीन को हटाना होगा और इसकी जगह पे बैलेट पेपर लाना होगा। इसलिए हमने नारा बुलंद किया है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ, ये नारा बुलंद हम लोगों ने किया है। 2019 के चुनाव में ईवीएम हटाना होगा, वोट्टा वाली मशीन हटाना होगा, ये संदेश हम चुनाव आयोग को दे रहे हैं ताकि उसके ऊपर प्रेशर पड़े और वो हटाए। अगर प्रेशर नहीं पड़ा तो इस परिवर्तन यात्रा में हम जनता को संदेश दे रहे हैं, जनता को मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर सरकार चुनाव आयोग ईवीएम मशीन नहीं हटाती है तो ईवीएम मशीन हटाने की जिम्मेवारी हम सब की है, उसकी हटाने की जिम्मेवारी है, मगर नहीं हटाया हमारी है, हम लोगों की है। अब हमारी जिम्मेवारी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो साथियों बहुजन क्रांति मोर्चा ने फैसला किया है कि 2019 के चुनाव में
15 लाख बूथों पर एक साथ ईवीएम मशीन उठाकर पटकने का काम करेंगे और इस भारत देश में एक इतिहास बनेगा, एक इतिहास कायम होगा। क्या दुनिया के देशों में वहां ईवीएम मशीन पे वहां सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रखा है ईवीएम प्रयोग नहीं होना चाहिए। दुनिया के जो विकसित देश है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को रोक लगा के रखा है। ये जो अमेरिका है, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऐसे जो सारे विकसित देश है यहां मशीन का उपयोग नहीं होता, यहां बैलेट पेपर का ही उपयोग होता है। मगर भारत का इतिहास बनेगा कि भारत के अंदर ईवीएम मशीन को रोक लगाने का काम भारत की जनता करेगी, एक इतिहास बनेगा। और एक बहुत बड़ी इतिहास बनेगा कि इस देश की, भारत की जनता ईवीएम मशीन को 2019 में तोड़ने का काम करेगी, फोड़ने का काम करेगी। और चूंकि साथियों मैं बिहार का रहने वाला हूं और जब मैं पंजाब में आया तो हमें मालूम चला कि पंजाब के जो लोग हैं ये ऐसे भी तोड़ने फोड़ने में बड़े माहिर लोग हैं। पंजाब के लोग तोड़ने फोड़ने में बड़े माहिर लोग हैं, लड़ने भिड़ने में माहिर लोग हैं। क्योंकि देश की आजादी, जो तथाकथित आजादी बोलते हैं, जो मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में चलाई गई थी, उस समय भी पंजाब के लोग सबसे ज्यादा जेल में गए, सबसे ज्यादा डंडे खाए, सबसे ज्यादा गोलियां खाए। क्या मिला हमारे लोगों को? एक विदेशी को भगा दिया आपने, दूसरा विदेशी को सर पे बिठा लिया, क्या मिला? मैं उस समय भी हमारे लोग जेल गए, गोलियां खाए, डंडे खाए। रिजल्ट, एक विदेशी को भगा दिया और दूसरे विदेशी को सर पे बिठा लिया। अब जिसको विदेशी को सर पे बिठाया है उस विदेशी को भी पटकने की जरूरत आ गई है, आ गई है। ये साथियों, ये बहुजन क्रांति मोर्चा ये संदेश दे रही है, समाज को संदेश दे रही है, अगर हम आने वाले जनरेशन के, आने वाले बच्चों का मान सम्मान स्वाभिमान अगर चाहते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान से अगर जिंदगी गुजारना चाहते हैं आने वाला जनरेशन के लिए, तो 2019 के चुनाव में ईवीएम मशीन को रास्ते से हटाना होगा, रास्ते हटाना होगा। और दूसरा संदेश हम ये देना चाहते हैं कि जिस तरीके से गुरु वाल्मीकि जी, जिसके हाथ में कलम हुआ करते थे, गुरु वाल्मीकि जी के हाथ में कलम हुआ करते थे, हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं, आप भी हाथ में कलम पकड़ो और झाड़ू हटाओ। अपने भाइयों को संदेश दे रहे हैं, जब गुरु वाल्मीकि जी के हाथ में कलम हुआ करते थे फिर आपके हाथ में झाड़ू क्यों आ गई? झाड़ू हटाओ और कलम पकड़ो। गुरु वाल्मीकि जी का संदेश बाबा साहब अंबेडकर ने लिया और हाथ में कलम पकड़ा, मगर आपने गुरु वाल्मीकि जी का भी संदेश नहीं लिया और बाबा साहब अंबेडकर का भी संदेश नहीं लिया। बाबा साहब अंबेडकर ने गुरु वाल्मीकि जी से संदेश लेकर कलम पकड़ा और हमारे गुरु साहिबान लोगों ने जो मोमेंट खड़ा किया, वो मोमेंट का जो मकसद था, खालसा पंथ जो बनाया, वो खालसा जो पंथ बनाया कि वो चाहते थे इस देश में बेगमपुरा खालसा हो। और बेगमपुरा खालसा का मतलब होता है बेगम, जहां कोई गम ना हो, जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई तकलीफ ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, गैर बराबरी ना हो, ऐसी एक संकल्पना थी बेगमपुरा खालसा बनाने की। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस बेगमपुरा खालसा को आधार बनाकर, वैसी संकल्पना निर्माण करने के लिए उसको आधार बनाकर भारत के संविधान में डाला कि इस देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय
पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। और इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये न्याय, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया हुआ है? वो बेगमपुरा खालसा से लिया हुआ है। क्योंकि गुरु साहिबान लोगों का जो मोमेंट था, उन्होंने भी बराबरता की गल की, समानता की गल की, भाईचारा की गल की, बंधुता की गल की, न्याय की गल की, और वो चीजें बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा। मगर साथियों, आज उस संविधान के विरोध में इस देश में मामला चल रहा है। उस समय आ गया है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा ये संदेश दे रही है, जो अंतिम संदेश दे रही है कि ये जो हमारा समाज है, हमारा समाज 6743 जातियों में बांटा हुआ समाज है। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं? जातियों का संगठन बना रहे हैं। हमारे लोग शिरोल कास्ट का भी संगठन बना के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शिरोल ट्राइब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी के लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सिख अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लिंगायत अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे हजारों संगठन बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा एक मंच बनाया गया है। वो मंच ये है कि आप जो भी संगठन चलाते हैं, आप अपने बैनर के साथ, अपने झंडे के साथ, अपने एजेंडे के साथ एक मंच पर आ जाइए और ये लड़ाई हम मिलजुल करके लड़े। जब लड़ाई मिलजुल करके लड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत होगी। तो हम ये मैसेज दे रहे हैं कि इस देश में जो भी हजारों संगठन है, अलग अलग समाज के लोगों का संगठन है, आप आ जाओ। अकेले अकेले लड़ाई लड़ने से हमारे लोग सभी कुटाई खा रहे और पिटाई खा रहे। अकेले अकेले लड़ाई लड़ने से पिटाई भी हो रही है, कुटाई भी हो रही है। अगर ये पिटाई और कुटाई खाने वाले लोग इकट्ठा हो गया, एक मंच पर इकट्ठा हो गया, तो किसकी पिटाई शुरू होगी, किसकी कुटाई शुरू होगी? उसकी शुरू होगी जो सबकी कुटाई कर रहा है, उसकी कुटाई शुरू हो जाएगी। जो एक एक करके सबकी पिटाई और कुटाई कर रहा है, उसकी कुटाई शुरू होगी। मगर साथियों, ये जो ताकत हम जो बनाना चाह रहे हैं, ये ताकत हम पिटाई और कुटाई करने के लिए नहीं बना रहे। इसलिए बना रहे हैं, हम पिटाई कुटाई के लिए नहीं बना रहे, हम ये ताकत इसलिए बना रहे हैं, ये ताकत इस देश में इंसाफ कायम करने के लिए, इस देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए, इस देश में क्षमता स्थापित करने के लिए, इसके लिए हम ये ताकत बना रहे हैं। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा लोगों को जोड़ रही है। हम जोड़ने का अभियान चला रहे, हम लोगों को जोड़ रहे हैं और जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जगाएंगे, जगाएंगे, फिर जोड़ेंगे, तो एक ताकत बनेगी और उस ताकत का सही समय पर सदुपयोग होगा। इसलिए हमारे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये परिवर्तन यात्रा तरन तारण में आई है तो कम संख्या में लोग आए, क्योंकि ये परिवर्तन यात्रा जो हम लोगों ने निकाला है, ये परिवर्तन यात्रा इस देश के अंदर 6 लाख गांव में संगठन खड़ा करना है। और 6 लाख गांव में संगठन खड़ा करने के लिए, क्योंकि 6 महीने की परिवर्तन यात्रा 441 जिलों तक जाएगी, 441 जिलों तक ये परिवर्तन यात्रा जाएगी। अभी पंजाब के अंदर सारे जिलों में ये परिवर्तन यात्रा घूमी है और कल गुरदासपुर है, परसों पठानकोट है और फिर अमृतसर में समापन है। इस सारे जिलों में परिवर्तन यात्रा चली है। 2019 में 556 जिलों तक परिवर्तन यात्रा जाएगी, ये लगातार 2024 तक चलेगा
2024 तक 6 लाख पिंडों तक संगठन का जाल खड़ा करेगा, संगठन को मजबूत करेगा। उसको मजबूत करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। ये तरन तारण में हम मानते हैं, ये हमारी शुरुआत है, शुरुआत है। अगले साल भी आएगी, तो ये जो शुरुआत है इसके बाद संगठन बनाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, और उसे तरन तारण के सारे पिंडों तक ऑर्गेनाइजेशन का जाल बनाया जाएगा। अगर इस देश में 6 लाख पिंडों का अगर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया, 6 लाख पिंडों का, अगर एक पिंड में अगर 50 बंदा तैयार हो गया तो 3 करोड़ लोग होते हैं। एक पिंड में अगर 100 बंदा तैयार हो गया 6 करोड़ होते हैं। 200 लोग तैयार हो गया 12 करोड़, 250 तैयार हो गया 15 करोड़, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को ये तैयार करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। 6 लाख पिंडों का ऑर्गेनाइजेशन, और जो 6 लाख पिंडों का जब ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो इस देश में हम 6000 जातियों को जोड़ने में हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए 6000 जातियों तक संगठन, 6 लाख पिंडों तक संगठन, अगर ऐसा हमने किया तो इस देश में एक ही तारीख में, एक ही डेट में ऑल ओवर इंडिया का जन आंदोलन खड़ा होगा, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा होगा, और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन हमारी आजादी होगी, हमारी आजादी बनेगी। हम गुलाम हैं, वो आजाद करेगी। कैसे करेगी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे साथियों, ये जो शरीर है, शरीर के अंदर 2 प्रकार का नस है, एक सीरा है एक धमनी है। ये दोनों नस का अपना क्या काम है, दोनों नस का अपना काम है। एक नस क्या करती है, शरीर के जो गंदे खून है, ब्लड है, उसको हृदय में लाती है, और दूसरा नस क्या करता है, यहां जो ब्लड शुद्ध हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, उसको पूरे शरीर में भेजने का काम करती है। तो शरीर गतिमान होता है, शरीर चलता रहता है। अगर ये दोनों नस अपना काम करना अगर बंद कर दिया तो लोग क्या करते हैं, लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, और डॉक्टर साहब ऐसे हाथ पकड़ते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं, अरे नस नहीं चल रहा है, कहते आई एम सॉरी, ये मर गया, ये नस जो है, कहते हैं बंद हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं मर गया, कहते आई एम सॉरी। तो साथियों, इस देश का भी 2 प्रकार का नशा है, और 2 प्रकार का नशा, एक रोड मार्ग है, एक रेल मार्ग है, एक रोड है, रेल है। अगर आपने 15 करोड़ लोगों को तैयार किया और एक ही तारीख में रोड और रेल पर अगर बिठा दिया, हर 6 लाख पिंडों के लोग सड़कों पर आ गए, तो क्या होगा, रोड भी बंद, रेल भी बंद, तो प्लेन भी बंद। रोड बंद, रेल बंद, तो प्लेन भी ऑटोमेटिक बंद। इससे क्या होगा, एक साथ जन आंदोलन होगा, एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा, और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा तो हमारी आजादी होगी। जब आजादी होगी तो हमारा निर्णय होगा, उस निर्णय हमारा भविष्य होगा, और उस भविष्य में निर्णय लेने का अधिकार भी हमारा होगा, वही असली आजादी होगी। आज तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या कर रहे हैं, आपको क्या खाना चाहिए ये भी निर्णय वो ले रहे, क्या खाना चाहिए। अगर किसी मुसलमान को एक गाय ले जाता हुआ देख लेता है तो कहता है जरूर कसाई खाने लेके जा रहा है, मगर इंक्वायरी नहीं करता वो, अगर वो गाय लेके जा रहा है वो दूध खाने लेके जा रहा है कि क्या करने जा रहा है, वो सीधा उसको कनेक्ट कर देता है जरूर कसाई खाने लेके जा रहा है। मतलब ये आपको खाना नहीं है, तो कहने का मतलब हमारे लोगों को क्या खाना
चाहिए ये भी ब्रह्म निर्णय ले रहा है। आपको क्या खाना है ये आप निर्णय लेने लायक नहीं हो, ब्राह्मण ले रहा है। इतनी बड़ी गुलामी देश में बढ़ गई है। अगर इतनी बड़ी गुलामी बढ़ गई है, इस गुलामी को खत्म करने के लिए आप लोग इकट्ठा होंगे, जगा करके जोड़ने का और एक ताकत निर्माण करेंगे, क्योंकि ये जो दुश्मन है वो बहुत तगड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। और ताकतवर लोगों का अगर मुकाबला करना है तो आपको भी ताकतवर होना होगा। पंजाबी में अगर कहते हैं कि अगर वो तगड़े लोग हैं और मुकाबला करना है तो आपको भी तगड़ा होना होगा। तगड़े से तगड़ा को मुकाबला करवाया जा सकता है। तो साथियों, ये एससी एसटी ओबीसी मानुटी को जगाकर जोड़कर तगड़ा बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि अगर हम तगड़े हो गए तो तगड़ों का मुकाबला करने लायक होंगे, और तगड़ों का जब मुकाबला करने लायक होंगे तभी हमारी आजादी होगी। और इस आजादी के लिए परिवर्तन यात्रा अभियान चला रही है, तो आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद आप लोगों से करता हूं। तो साथियों, ये सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ये जो परिवर्तन यात्रा चला रहे, जो आजादी का आंदोलन हम चला रहे, तो इस आजादी के आंदोलन के लिए आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। चाहे एक रुपया ही क्यों ना सही, एक रुपया ही सही, मगर चाहिए। क्यों चाहिए? कि इस आजादी की लड़ाई में आपको लगना चाहिए कि इस आजादी की लड़ाई में भी हमने एक रुपया डब्बे में डाला था, तो एक रुपया ही सही। तो इस आजादी की लड़ाई के लिए हमारा एक बंदा इस डब्बा को लेकर आपके बीच में जाएगा, आपको एक रुपया ही सही, मगर उसमें सहयोग आपको डालना है। ये आजादी की लड़ाई है। आप ऐसा करेंगे, आप तन बंधन से साथ सहयोग करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आपने हमारी बातें ध्यान सुनी है, आप सभी लोग धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु फतेह। धन्यवाद। साथियों, आज तरन तारण में बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम समापन हो गया है, और इस कार्यक्रम में लवली प्रधान जी को बहुजन क्रांति मोर्चा का संयोजक तरन तारण घोषित किया जाता है, और उनको एक प्रदीप अम्बेडकर जी सरोता देकर स्वागत करेंगे। अभी दूसरा, आज राजकुमार रीठा जी को भारत मुक्ति मोर्चा का संयोजक तरन तारण का घोषित किया जाता है, और राजकुमार रीठा जी ऊपर मंच पर आ जाएं, आपको प्रदीप अम्बेडकर जी आज स्वागत करेंगे सरोता देकर। आज इस कार्यक्रम का समाप्ति का भाषण राजकुमार रीठा जी, भारत मुक्ति मोर्चा संयोजक, तरन तारण करेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं मैं, यहां जिस पार्टी ने जो मुझे मौका दिया, इस पार्टी का तन मन धन के साथ इनका साथ दूंगा। जय मूल निवासी,